नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। राजनीति में 10 साल पहले आने वाली आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से संगठन का विस्तार किया है, उतने ही विवादों से लेकर घोटाले की वजह से सुर्खियों में रही है। आपके अब तक 5 मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है। 10 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था और इसके अलावा एक मंत्री फर्जी डिग्री और एक सिटी कांड में ही फंसने से जेल गया था। आपको बताते चले कि 5वां मंत्री पंजाब के भगवंत मान सरकार में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है और आपके कई विधायक और नेता भी विवादों में आए और जेल भेजे गए हैं। दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और इससे पहले करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी के रणनीतिकारों में से एक हैं और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कासगंज जनपद के ही पटियाली थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान ही जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने ही लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनका समाधान भी किया है। इसी दौरान डीएम और एसपी ने कहा है कि थाना और तहसील दिवस पर आने वाले प्रकरणों को ही लंबित न रखा जाए और लोगों की शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ही उसे तुरंत निस्तारित किया जाए। थाना दिवस में आए आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तय समय से किया जाए, साथ ही निस्तारित की गई समस्या की जानकारी शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए। जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता की मौके पर जाकर समस्या निपटाई जाए और थाना समाधान दिवस के दौरान थानाध्यक्ष, पटियाली और राजस्व विभाग की टीम आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हरदोई की स्वाट सर्विलांस और एसओजी टीम के साथ कोतवाली देहात पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 3 ई रिक्शा और एक लग्जरी कार और ई रिक्शा के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। ये लोग जहर खुरानी करके टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन्ही लोगों ने हरियावा के रहने वाले एक युवक की लूट के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया था। घटना का खुलासा करते हुए ही एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि 15 फरवरी को हरियावा थाना क्षेत्र के लहरपुरवा निवासी अरुण कुमार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उनके भाई राहुल की हत्या कर शव को कोरिया से शाहबाद हरदोई मार्ग पर डिवाइडर के किनारे फेंक दिया गया है। एसपी ने बताया है कि कार में सवार 2 व्यक्तियों में से पूछा गया तो कार चालक का नाम राम निवास निवासी कोतवाली देहात और दूसरे ने अपना नाम गौरव कुमार निवासी लोहिया नानगंज ग्रंट के ही कोतवाली देहात बताया है। इनकी जब तलाशी ली गई तो 700 रुपए और इसके साथ ही मृतक राहुल कुमार वर्मा के आधार कार्ड की छाया प्रति, 5 फोटो और एक मोबाइल फोन, पासबुक आदि बरामद हुआ है और इन लोगों ने यह भी जानकारी दी है कि अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक वैगनआर कार से सवारियों को लेकर और ऑटो रिक्शा बुक करके सवारियों को नशीला पदार्थ पिलाकर टप्पेबाजी और लूट के साथ ई रिक्शा चोरी कर लेते थे। चोरी की गई ई रिक्शा को वीरेंद्र कुमार निवासी झाला को बेच देते थे और इन लोगों ने यह भी जानकारी दी है कि 14 फरवरी को राम निवास अपने साथी के साथ मिलकर दुबग्गे से ही राहुल को लिफ्ट देने के बहाने वैगनआर कार में ही बैठा दिया था और कोल्ड ड्रिंक में ही नशीला पदार्थ पिला दिया और जब राहुल बेहोश हो गया तो राम निवास के अन्य साथियों राहुल का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर और वहां से लूट लिया था। इसी महीने की 15 तारीख को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शव मिला था जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वह लखनऊ में दुबग्गा से एक गाड़ी में बैठा था। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और जनपद पुलिस द्वारा खोजते खोजते गाड़ी मिल गई और उसके साथ उसमें जो एक व्यक्ति जो शहर का रहने वाला राम निवास वो मिल गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो एक जहर खुरान गैंग का सदस्य है।
इनके द्वारा ई रिक्शा में कभी सवारी बन करके उनसे टप्पेबाजी करते थे जहरीला पदार्थ खिला करके, इसी तरह से इस वैगन आर पे भी सवारियां बैठा करके उनको बेहोश करके भी इनके द्वारा टप्पेबाजी की जाती थी और चोरी की जाती थी। बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र के गांव नूरपुर अरब के पास दो तेज रफ्तार बाइक के आपस में भिड़ गई हैं और हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है जहाँ से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। दरअसल बिजनौर जनपद के ही बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर अरब के ही पास गगन ईंट भट्टे के नजदीक दो तेज रफ्तार बाइकें आपस में भिड़ गई और हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर लगते ही शाहरुख और नफीस निवासी गड़ी के ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और जबकि तहसीम में ही मौके पर मौत हो गई। बताते चले कि सलीम निवासी नारायणपुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव को सील करके ही पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर जिला अस्पताल भिजवा दिया है और घटना के बाद मृतकों के परिजनों में अब कोहराम मचा हुआ है। धमपुर में एसडीएम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनन से भरे दो डंपरों को पकड़कर सीज कर दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने उत्तराखंड से अवैध खनन भरकर ला रहे दो डंपरों को पकड़ लिया और इसके साथ ही बाद में दोनों डंपर को सीज कर दिया जिसको लेकर खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जनपद में ओवरलोडेड वाहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत धामपुर एसडीएम मनोज कुमार और पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ही ओवरलोडेड चेकिंग के दौरान दो गाड़ियों को पकड़ लिया और जांच के बाद दोनों में अवैध खनन पाया गया और दोनों गाड़ियां अवैध रूप से ही चलती पाई गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में ही संयुक्त टीम ने दोनों खनन से भरी गाड़ियों को सीज कर दिया है। बातचीत में एसडीएम धामपुर मनोज कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बिजनौर जनपद में ही ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और बढ़ते सड़क हादसों को लेकर संपूर्ण जनपद में अभियान चलाया जा रहा है और जिसको लेकर दो खनन से भरी गाड़ियों को भी सीज किया गया है। सर, अवैध खनन के जो डंपर पकड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसा कि आप जान रहे हैं कि शासन के बहुत ही गंभीर और कड़े आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध रूप से खनन और ओवरलोडिंग वाहन रोड पे ना चलें। इसकी कड़ी में जो जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त निरीक्षण टीम है जिसमें माइनिंग इंस्पेक्टर, पुलिस, राजस्व और एआरटीओ होते हैं, इसकी टीम के द्वारा आज सुबह में ये पकड़ी गई। एक उत्तराखंड से गाड़ी आ रही है और दूसरी जो है यहीं यूपी की गाड़ी है और दोनों में ओवरलोडिंग भी है और वैध कागजात भी नहीं है। इस प्रकार दोनों अवैध खनन की श्रेणी में आते हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने आप को केंद्रीय मंत्री जी का प्रतिनिधि बता रहा है और कह रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेता लग जाएंगे फिर भी कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाएंगे। मामला गरोठा के ही मोती कटरा में बालू उठाने के संबंध में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि दो व्यक्ति अपने आप को मंत्री का खास बता रहे हैं और मोती कटरा में सुशील सेठ हरपाल ताऊ का निजी नदी का ठेका हुआ है जिसमें सुशील का एक व्यक्ति बालू की देखरेख करता है और लवली नाम का एक व्यक्ति जिसको मंत्री जी के दोनों प्रतिनिधि बालू का व्यापार के लिए बात कर रहे हैं मगर वो कह रहा है कि वह मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री का खास बताकर कह रहा है कि फाइल कैंसिल करवा देंगे मंत्री जी से कहकर अगर मुझे बालू नहीं उठाने दिया गया तो। खबर उत्तरकाशी से है जहां पर चार धाम यात्रा में यात्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और इसके साथ ही समिति संख्या को लेकर नाराज होकर होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में विशाल धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा हनुमान चौक से ही मैन बाजार
होते हुए कलेक्टर परिसर तक निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारों धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की साइड न खुलने की भी किसी बड़ी साजिश की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार नैनीताल और इसके साथ ही हरिद्वार में यात्रियों को खुली छूट दे रही है और वहीं गढ़वाल मंडल के धामों से सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके कारण हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। लेकर जो उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण की जो बाध्यता की है उसके खिलाफ और जो यात्रियों को सीमित संख्या के आधार पर चार धाम के दर्शन करवाने का जो निर्णय है उसके खिलाफ पूरे चार धाम में आज प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग यहाँ पर सतपाल महाराज का आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आज पर्यटन मंत्री का पुतला दहन भी है और आरती का भी साथ में ले जा रहे हैं जगाने के लिए। पर्यटन प्रदेश को और तिथल प्रदेश को जिस तरह से पूरे देश में सब कुछ खुला हुआ है, रात दिन वहाँ पे लोग चलते हैं, ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड चौड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सीमित संख्या में पर्यटनों को आने दे रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून को लाने के समर्थन में मसूरी भाजपा युवा मोर्चा ने ही नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हुए मसूरी भगत सिंह चौक से मॉल रोड होते हुए शहीद स्थल तक भाजपा सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली है। मसूरी भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और भाजपा मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष रविन्द्र रावत पुणे का कहना है कि जो धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून पूरे उत्तराखंड मिलाया है उसका मसूरी भाजपा मंडल उसका स्वागत करती है और जिसके उपलक्ष में मसूरी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा धन्यवाद रैली निकालकर उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कानून को लाने से मतलब करवाने वालों पर नकेल कसी जाएगी और जो युवा पढ़ने वाले हैं वो आगे भी बढ़ पाएंगे। जो नकल विरोधी कानून हमारे धामी जी ने लागू किया है उसके उपलक्ष्य पे हमने आज धन्यवाद रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे छात्र और छात्राएं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं मसूरी के मसूरी मंडल के, उन सभी ने यहाँ पे आके धामी जी को धन्यवाद। देश में पहली बार इतना सख्त नकल विरोधी कानून अगर कोई प्रदेश लेकर आया है तो हमारा प्रदेश लेकर आया, पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए हैं और आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार भी इसी तर्ज पर एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है अगर ये कानून पहले आया होता तो जिस तरीके के प्रकरण हमने आज देखे हैं वो देखने को ना मिलते और जो दोषी जिनको तुरंत कार्रवाई करके पकड़ा गया। खबर उत्तरकाशी से है जहां तहसील चिन्याली सोड़ के बलडोगी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जिस पर दो लोग सवार बताए जा रहे हैं। उक्त स्थान हेतु राजस्व टीम और टीम पुलिस 108 एम्बुलेंस रवाना हुई है और एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। एक घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलडोगी में प्राथमिक उपचार के बाद CSC चिन्याली सोड़ के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।